पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें धनबाद से आ रही है, जहां बागमारा विधायक और जो प्रत्याशी है ढुल्लू महतो वो पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें साफ तौर पर धनबाद से सामने आ रही है, जहां प्रत्याशी ढुल्लू महतो पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आज 25 मई है, धनबाद लोकसभा सीट पर इस बार चुनाव हो रहे हैं और कह सकते हैं कि आज ढुल्लू महतो की जो किस्मत है वो ईवीएम में आज जनता कैद कर देगी। और अगर हम बात करें ढुल्लू महतो की, तो इस बार स्थानीय चेहरा एक जमीन से जुड़े हुए नेता पर बीजेपी ने भरोसा जताया है और यही वो आशीर्वाद भी मांग रहे हैं कि जनता उस पर आशीर्वाद बनाए और जनता उन पर जो भरोसा जताए और उन्हें ही जीत दिलाए। साफ तौर पर धनबाद से तस्वीरें निकलकर सामने आई, जहां ढुल्लू महतो अपनी पत्नी के साथ पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। धनबाद लोकसभा सीट की अगर बात कर ले, तो इस बार रन में ढुल्लू महतो इस बार खड़े हुए हैं। कांग्रेस की प्रत्याशी की बात करें अनुपमा सिंह, उनके खिलाफ, तो साफ तौर पर उनकी यही उम्मीद रहेगी कि जनता उन पर भरोसा जताए, जनता उन पर आशीर्वाद भी बरसाए ताकि उनकी ये जीत सुनिश्चित कर ले। और साफ तौर पर हमने वो तस्वीरें भी देखी थी कि ढुल्लू महतो कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं ताकि उनकी जीत में कोई बाधा बने। और यही वो साफ तौर पर आज की वो तस्वीर है, 25 मई का वो दिन है जहां आज उनकी किस्मत भी ईवीएम में कैद हो जाएगी। धनबाद से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, जहां प्रत्याशी ढुल्लू महतो पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी पत्नी के साथ। धनबाद लोकसभा सीट की हम बात कर ले, काफी ज्यादा वीआईपी सीट मानी जाती है, कई सालों से बीजेपी का यहां पे गढ़ रहा है। और ऐसे में बीजेपी ने एक बार पीएन सिंह की हम बात कर ले, 3 बार हैट्रिक लगाने के बाद ढुल्लू महतो को इस 2024 चुनावी के रन में खड़ा किया है। धनबाद से स्थानीय चेहरा है, बागमारा से विधायक भी है, तो साफ तौर पर यहां का भी जो रन है वो काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। मुकाबला काफी ज्यादा टाइट है क्योंकि अनुपमा सिंह काफी ज्यादा एक राजनीतिक परिवार से भी आती है, उनका इतिहास भी रहा है। अनूप सिंह जो कि बेगम विधायक उनके पति हैं, तो साफ तौर पर दोनों के बीच में ही कांटे की टक्कर होने वाली है ढुल्लू महतो और अनुपमा सिंह के बीच में। और ढुल्लू महतो भी यही वो प्रार्थना कर रहे होंगे भगवान से कि आशीर्वाद जो है जनता का उन पर ही बरसे ताकि उनकी ये जीत इस बार 2024 के चुनाव में सुनिश्चित हो। आज उनके भी भागी का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। ढुल्लू महतो ने भी कोई कसर नहीं की, जो वो जोरों शोरों से प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए थे। कल अगर बात करें 24 मई को 5 बजे के बाद चुनावी जो भोपू का शोर है वो थम चुका था और ऐसे में आज ईवीएम में भागी का फैसला कैद हो जाएगा, जहां जनता अब किसे अपना आग का तारा चुनती है अब ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन अगर प्रत्याशियों की बात करें तो सारी ताकत प्रत्याशियों ने झोंकी और इसमें भी ढुल्लू महतो ने किसी तरह की कसर नहीं छोड़ी है। ढुल्लू महतो बिल्कुल फ्रेश चेहरा नजर आए, इस बार स्थानीय उम्मीदवार पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। और ऐसे में हमारे साथ धनबाद की बात कर ले, तो धनबाद से हमारे सहयोगी ग्राम जीरो से प्रकाश जी हमारे संबंध में उनका रुख करेंगे। प्रकाश, अगर हम बात करें तो झारखंड की 4 सीटों का रन हो रहा है और ऐसे में चुनाव हो रहे हैं, तीसरा चरण है झारखंड में, तो साफ तौर पर धनबाद की बात करें तो धनबाद काफी ज्यादा वीआईपी सीट है, कई सालों से बीजेपी का गढ़ रहा है। पीएन सिंह हैट्रिक भी मार चुके हैं, लेकिन अगर इस बार की बात कर ले तो बीजेपी ने बिल्कुल ही अलग खेल खेला है और इस बार एक स्थानीय उम्मीदवार को इस बार प्रत्याशी के रूप में दिया, वो है ढुल्लू महतो। और इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी की बात कर ले तो अनुपमा सिंह जो कि बिल्कुल ही फ्रेश है राजनीति में, तो खासतौर पर दोनों के बीच में ही कांटे की टक्कर हमें देखने को मिल सकती है। फिलहाल अब कौन से बूथ पे मौजूद है और वहां की स्थिति क्या है? ढुल्लू महतो जो है हमारे संपर्क हमारे सहयोगी से टूट चुका है, उनसे हम जरूर जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप धनबाद से ये एक्सक्लूसिव तस्वीर TV45 के स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जहां ढुल्लू महतो अपने लिए पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए भगवान से वो प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर इस बार चुनावी मैदान में ढुल्लू महतो और अनुपमा सिंह के बीच में सीधी टक्कर, एनडीए और एनडी गठबंधन के बीच में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। अगर हम दोनों प्रत्याशियों की बात करें तो दोनों ही प्रत्याशी अपने आप में काफी ज्यादा दिलचस्प है। ढुल्लू महतो की बात करें स्थानीय उम्मीदवार है, अनुपमा सिंह की बात करें तो राजनीति में बिल्कुल ही फ्रेश है। लेकिन अनुपमा सिंह के बात में यह खासियत है कि वो काफी ज्यादा एक राजनीतिक परिवार से बिलोंग करती है। उनके अगर ससुर की बात कर ले, वो भी एक बड़े नेता रह चुके हैं, बेरोम विधायक अनूप सिंह उनके पति हैं, तो साफ तौर पर दोनों के बीच में कांटे की टक्कर हमें देखने को मिल सकती है। ढुल्लू महतो की तस्वीर साफ तौर पर यह बयां कर रही है, किसी तरीके से वो कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए। और यही वो दौर होता है कि लोकतंत्र के महापर्व की एक खूबसूरती होती है कि जो प्रत्याशी होते हैं या फिर जनता होते हैं, सभी एक दो कमर कसते हुए नजर आते हैं ताकि अपने वो एक जो मत का इस्तेमाल होता है, उनका जो महत्व होता है, वो बताते हुए नजर आते हैं। अगर हम बात कर ले धनबाद की, तो
दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे में मजबूत नजर आ रहे हैं। अनुपमा सिंह ढुल्लू महतो दोनों के बीच में कांटे की टक्कर होने वाली है। लेकिन धनबाद लोकसभा सीट की हम बात करें तो इस बार एक धनबाद ही ऐसा पूरे देश में ऐसी सीट है जहां पे तीन जेंडर खड़े हुए हैं। अगर महिला की बात करें तो महिला से अनुपमा सिंह, पुरुष की बात करें ढुल्लू महतो, और थर्ड जेंडर की बात करें तो सुनैना किन्नर इस बार चुनावी मैदान में है। तो साफ तौर पर कांटे की टक्कर हमें देखने को मिल सकती है। और अगर हम बात करें जेएलकेएम जो कि जयराम महतो की पार्टी है और उनकी तरफ से निर्दलीय जो चुनाव लड़ इखलाक अंसारी, वो भी काफी ज्यादा एक एक्स फैक्टर डाल सकते हैं इस बार धनबाद की चुनावी रण में। और ऐसे में हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार से एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। प्रकाश, देखिए धनबाद की सीट पर चुनाव हो रहा है, 25 मई का वो दिन है जहां पे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज किया जाएगा। फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें हैं धनबाद की? हमारा संपर्क एक बार फिर से हमारे सहयोगी प्रकाश से टूट चुका है, फिर से उनसे जरूर जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो तस्वीरें साफ तौर पर ये बयां कर रही है, ढुल्लू महतो अपनी पत्नी के साथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आए ताकि किसी तरह की जो जीत जो है वो उनकी है सुनिश्चित हो, जो जनता है उनका आशीर्वाद उन पर ही बरसता रहे, यही साफ तौर पर ढुल्लू महतो की भी यही चाह होगी। और ऐसे में हम भी TV45 भी लगातार आपसे यही अपील कर रहा है, अपने घरों से बाहर निकले, समय निकाले और अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि जो वो एक वोट होता है उसका महत्व अलग होता है। आपके हाथ में वो पूरी पावर होती है कि आप सत्ता में चाहे किसी को बैठा सकते हैं और जिन्होंने आपके लिए काम नहीं किया है उन्हें आप जो है सत्ता से हटा भी सकते हैं। तो आपके पास ही वो पावर है, लोकतंत्र की यही खूबसूरती होती है। और हमारे सहयोगी प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। प्रकाश, देखिए अगर हम बात करें तो धनबाद लोकसभा सीट काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है क्योंकि ढुल्लू महतो और अनुपमा सिंह दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे में अपने आप में ही मजबूत हैं और चुनावी रण में इस बार खड़े हुए हैं। तो साफ तौर पर जो तस्वीर सामने आई जहां ढुल्लू महतो पूजा अर्चना करते हुए नजर आए, तो क्या समझा जाए, क्या ढुल्लू महतो बिल्कुल ही कुछ कसर नहीं छोड़ना चाहते ताकि उनकी जीत सुनिश्चित हो? जी अंकिता, आपने बिल्कुल सही कहा है। देखिए अगर हम बात करें प्रत्याशी ढुल्लू महतो और प्रत्याशी अनुपमा सिंह, तो दोनों जो है लगातार मैदान में उतरकर एक दूसरे से जोर आजमाइश करते हुए भी नजर आए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ढुल्लू महतो ही मैदान में उतरकर लोगों को संबोधित कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, बल्कि अनुपमा सिंह उनके पति अनु सिंह के द्वारा भी लगातार चुनाव प्रचार किए जा रहे थे। देखिए थोड़ी सी मलाल तो जरूर है प्रत्याशी के बीच में, क्योंकि कोई स्टार प्रचारक कई सारे आने वाले थे लेकिन ना तो कांग्रेस की तरफ से कोई स्टार प्रचारक पहुंचे और ना ही भाजपा की तरफ से एक दो। अगर हम प्रदेश के मुख्यमंत्री को छोड़ दें, पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्री को छोड़ दें, तो इसके अलावा कोई भी स्टार प्रचारक, जैसे कि बात कही जा रही थी कि हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो धनबाद आएंगे, अगर बात करें हम यूपी के मुख्यमंत्री योगी की तो उनकी इनकी बात थी कि वो धनबाद आएंगे, अगर हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस की ओर से कहा गया था कि प्रियंका गांधी आएंगे, आरजेडी के सुप्रीमो जो है तेजस्वी यादव वो यहाँ आ सकते थे, लेकिन जो स्टार प्रचारक नहीं पहुंचे थे। इससे थोड़ी सी मलाल जरूर है कार्यकर्ताओं में, लेकिन उत्साह में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। अगर हम उत्साह की बात करें तो आप मान कह सकते हैं कि जिला प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई की गई, जो योजनाएं बनाई गई है वो धरातल पर दिखता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अगर हम बूथों की बात करें तो बूथों पर सुबह से ही लोगों की भारी संख्या देखने को मिल रही है, क्योंकि अपने मत का प्रयोग करने के लिए वो बूथ की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि अभी सुबह सुबह का मौसम है और सुबह का समय जो होता है वो बड़ा खास होता है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे धूप तेज होगी, तो ऐसे में लोग जो है वो सुबह सुबह पहले अपना मत का प्रयोग करना चाहते हैं, मतदान देना चाहते हैं, इसलिए मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं और काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। जी अंकिता, ठीक है प्रकाश, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जिस तरह से हमने लाइव तस्वीरें देखी धनबाद लोकसभा में, इस बार 25 उम्मीदवारों के बीच में जंग छिड़ी हुई है, लेकिन मुख्य मुकाबला जो है वो बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो और कांग्रेस विधायक अनुपमा सिंह के बीच में है। इसके अलावा जो किन्नर हैं वो भी ताल ठोक रही हैं। झारखंड में यही एकमात्र सीट है जहां पर तीनों लिंग के उम्मीदवार जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही भीतर घात से कहीं ना कहीं परेशान है। आपको क्या लगता है धनबाद में किसका डंका बजता नजर आएगा इस बार? चलिए संपर्क शायद टूट गया है प्रकाश जी से। प्रकाश जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी 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 जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है किसका डंका बजेगा इस बार धनबाद में?
देखिए लखी, अगर हम धनबाद की बात करें तो धनबाद की हवाओं की बात करें तो धनबाद में हवाओं का रुख है जो है वो पूरी तरह से बदला सा दिख रहा है। अब ये बदलाव किसके लिए है, क्या ये भाजपा को फायदा पहुंचाएगा, क्या ये कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा, ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो वोटर है उनके मन में भी काफी उत्सुकता है कि इस बार कौन दिल्ली का सफर जो है वो धनबाद से तय करेगा। देखिए अगर हम बात करें धनबाद लोकसभा सीट की, तो धनबाद लोकसभा सीट आज अब कोयलांचल का सबसे हॉट सीट बन चुका है, क्योंकि यहाँ बागमारा के 3 बार के विधायक रह चुके ढुल्लू महतो लोकसभा के प्रत्याशी बनाए गए, पीएन सिंह का टिकट काटा गया और इसे लेकर कई सारे पार्टी के नेता जो थे वो नाराज दिख रहे थे। यही कारण है कि पार्टी के आला कमान के द्वारा उन्हें लगातार नोटिस भेजे गए, लगातार संपर्क किया गया, लगातार उन लोगों से बात की गई जो लोग नाराज चल रहे थे और नाराजगी खास तौर पर देखने को भी मिली। देखिए अगर हम बात करें विधायक राज सिन्हा, तो वो पूरी चुनाव से अपने आप को दूर रखा, किसी कहीं कहीं जगह नजर तो जरूर आए लेकिन अधिकतर समय वो चुनाव से अपने आप को अलग ही नजर आते हुए दिखे। अगर हम पीएन सिंह की बात करें तो पीएन सिंह भी मैदान में अधिकतर दिखे नहीं, लेकिन उनका कहना है कि उनकी स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है इसलिए वो ज्यादा दौड़ धूप नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस के भीतर घास का जो सामना है वो कांग्रेस प्रत्याशी को करना पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के कई सारे दिग्गज नेता जो धनबाद में रहने वाले हैं उन्हें टिकट की इच्छा थी और उन्हें टिकट नहीं देकर बैरमो के विधायक अनुप सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह को दिया गया है। तो इससे भी कांग्रेस में थोड़ी नाराजगी दिख रही है और कांग्रेस में भी कई सारे नेता जो हैं वो आपको दिखे हैं पार्टी छोड़ते हुए दिखे हैं, भाजपा के साथ बहते हुए दिखे हैं, तो कांग्रेस में भी भीतरघात का जो खेल है वो जारी है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि बूथ किस करवट बदलेगा ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा, लेकिन जिस प्रकार से वोटर जो है वो घरों से निकल रहे हैं ये जिला प्रशासन के लिए या धनबाद के लिए अच्छी खुशखबरी वाली समाचार है, क्योंकि जिला प्रशासन के द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा था कि लोग घरों से निकलकर मतदान केंद्र पर पहुंचे और सुबह सुबह का समय है 8 बज चुके हैं और मतदान केंद्रों में काफी संख्या में लोग जो है वो पहुंच रहे हैं, मतदाता पहुंच रहे हैं, युवा वोटर पहुंच रहे हैं। अगर हम युवा वोटर की बात करें लगी तो युवा वोटर जो है इस बार 1.5 लाख से अधिक युवा वोटर है जो फर्स्ट टाइम अपना वोट का अपने मत का प्रयोग करेंगे, तो ऐसे में मतदान केंद्रों में काफी भीड़ भाड़ दिखी जा रही है। महिलाएं बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही है, जहां भी पुरुषों की लाइन दिख रही है उसके बगल में 10 महिलाओं की भी लाइन दिख रही है, युवाओं की लाइन दिख रही है। और धनबाद जिला प्रशासन का जो एक पहल था, एक प्रयास था कि परसेंटेज में वृद्धि हो, क्योंकि परसेंटेज में वृद्धि के लिए लगातार जिला प्रशासन की तरफ से कार्य किए जा रहे थे। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है, चप्पे पे पुलिस की तैनाती की गई है, बीएसएफ के जवान जो है, आरपीएफ के जवान जो है, सीआरपीएफ के जवान जो है, होमगार्ड के जवान है वो लगे हुए हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से। अगर हम बात कर ले धनबाद से, धनबाद देखिए बंगाल से भी सटा हुआ है तो बॉर्डर इलाका पड़ता है, तो ऐसे में बॉर्डर इलाके में भी काफी सख्ती बरती जा रही है। कोई भी वाहन जो भी वाहन धनबाद के और प्रवेश कर रही है उसकी पूरी तरह से गहन जांच की जा रही है, चेकिंग की जा रही है और इस कंफर्म होने के बाद ही उन्हें धनबाद अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। साथ ही साथ जिला प्रशासन की तरफ से कल देर रात तक होटलों से छापामारी की गई है, क्लबों में छापामारी की गई थी, जो लोग बाहर से आए हुए हैं, जो लोग धनबाद के नहीं है, धनबाद लोकसभा सीट से उनका कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोगों को धनबाद छोड़ने के लिए कहा गया है और उन्हें रात में ही धनबाद से जाने के लिए कहा गया है। तो ऐसे में जिला प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आ रहे हैं। जी ठीक है प्रकाश, लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए, धनबाद की और भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल सीधा रांची चलते हैं जहां पर हमारे ब्यूरो हेड राकेश जी भी लाइव जुड़े हुए हैं। राकेश जी आपसे जानना चाहूंगा, रांची में सियासी पारा तो हाई है, इस हाई प्रोफाइल सीट पर मुख्य मुकाबला है बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ और कांग्रेस उम्मीदवार यशस्विनी साय के बीच। संजय सेठ लगातार दूसरी बार चुनावी मैदान में है, उनके मुकाबले कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही यशस्विनी साय पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साय की बेटी हैं। क्या लगता है आपको, इटली से लॉक और लॉटी, क्या ये बेटियां रांची के चुनावी मैदान में उतर तो चुकी है, क्या इस बार कांग्रेस का जो सूखा है वो समाप्त कर पाएंगी क्या?
देखिए लोकेश, निश्चित तौर पे देखा जा सकता है कि युवा प्रत्याशी है और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि राजनीतिक जगत में उनका प्रवेश जिस तरीके से हुआ है, सुबोधकांत सहाय की बेटी है तो उनकी एक अलग पहचान पहले से बनी हुई है और सुबोधकांत सहाय तमाम इलाकों में जा रहे थे जो उनके पुराने इलाके हैं, खास करके ग्रामीण इलाकों में बताया जाता है कि सुबोधकांत सहाय का सीधी पकड़ बताई जाती है और साफ तौर पर लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी उपस्थिति के बीच से उनकी बेटी अगर चुनाव लड़ रही है तो इसका थोड़ा फायदा तो उनको जरूर मिलता नजर आएगा। लेकिन फिलहाल ये कहना संभव नहीं हो पाएगा कि कितना फायदा मिल पाएगा, पहले घंटे का वक्त गुजरा है अभी करीब करीब और इस दौरान कहीं ना कहीं वोटरों का रुझान काफी बेहतर बताया जा रहा है और यहां मैं जहां खड़ा हूं वहां भी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि दोनों प्रत्याशियों को लगभग वोट मिल ही रहे हैं। मुझे जो जानकारियां आ रही है अंदर से और लंबी कतार है, ग्रामीण इलाकों की बातचीत की जाए तो वहां भी लंबी कतारें होने की सूचनाएं आ रही है मेरे पास और लगभग सभी जगहों पर वोट शुरू हो चुके हैं। एक आध बूथ को छोड़ दिया जाए तो कुछ थोड़े विलंब हुए हैं वहां पर कुछ तकनीकी कारण से, लेकिन पूरे इलाके की बातचीत किया जाए रांची लोकसभा सीट की तो सभी जगहों पे वोट शुरू हो गया है। अभी कहीं से किसी प्रकार की अप्रिय घटना या किसी प्रकार के विवाद की सूचना भी नहीं है, यानी कि वोट बेहतर ढंग से कराया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से तमाम तैयारियां की गई थी। लेकिन आपने जो सवाल खड़ा किया कि आखिर किस तरीके से NDA और खास करके UPA की बातचीत की जाए तो इसका फायदा और नुकसान होगा, तो कहीं ना कहीं